हिमाचल विधानसभा चुनाव मतदान के बाद अब ईवीएम को लेकर सियासत गर्मा गई है। पहले भाजपा और कांग्रेस नेताओं के बीच ईवीएम की सुरक्षा को लेकर जुबानी जंग छिड़ी हुई थी, लेकिन अब ये लड़ाई चुनाव आयोग की तरफ जाती हुई दिख रही है। कांग्रेस द्वारा ईवीएम स्ट्रांग रूम के बाहर तंबू गाड़ने को लेकर भाजपा चुनाव आयोग में शिकायत करने जा रही है। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस ने स्ट्रांग रूम के 200 मीटर के दायरे के अंदर ही तंबू गाड़ रखे हैं, जो चुनाव आयोग के नियम की सीधी सीधी अवहेलना है, जिसके खिलाफ भाजपा चुनाव आयोग में शिकायत करेगी। क्या कहना है भाजपा नेता गणेश दत्त का, सुनिए। हमारी सूचना के अनुसार कई जगह जहाँ स्ट्रांग रूम है उसके आसपास वो तंबू लगा करके ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि शायद ईवीएम के साथ छेड़खानी हो सकती है या कुछ और हो सकता है। लेकिन जब जब भी कांग्रेस पार्टी ने इस तरह के आरोप लगाए और उनको मुंह की भी खानी पड़ी है और ईवीएम के साथ कभी भी कोई छेड़खानी नहीं हो सकती है, कोई कर नहीं सकता है, इस बात को जो उससे तकनीकी दृष्टि से जो लोग जुड़े हैं उन सभी ने उस बात की पुष्टि की है। लेकिन एक स्ट्रांग रूम के बाहर 200 गज की दूरी पर किसी की मूवमेंट, किसी को आने जाने की अनुमति नहीं होती है। तो हमारी सूचना के अनुसार कुछ जगह कांग्रेस पार्टी के लोग जो स्ट्रांग रूम है उसके बिल्कुल नज़दीक पहुंच रहे हैं और जो चुनाव आयोग का जो निर्देश है 200 मीटर की दूरी तक कोई प्रवेश न करे उसका सरेआम उल्लंघन हो रहा है। तो हम एक शिकायत उनके समक्ष कर रहे हैं और उसमें ये मांग करेंगे कि जो इस तरह का वायलेशन कर रहे हैं चुनाव आयोग के निर्देशों का और उनके खिलाफ सख्ती से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं कांग्रेस का कहना है कि ईवीएम की सुरक्षा को लेकर कार्यकर्ता चिंतित हैं, इसलिए स्ट्रांग रूम के बाहर बैठे हैं ताकि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ ना हो सके। क्या कहते हैं कांग्रेस नेता नरेश चौहान, सुनिए। अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि जहां पर भी स्ट्रांग रूम्स है, जहां भी रखे हैं, वहां पर सुरक्षा का क्या इंतजाम है, क्या पुलिस के हवाले हैं या पैरामिलिट्रीज हैं या सीसीटीवी कैमरास लगे हैं, किस तरह की सुरक्षा जो है स्ट्रांग रूम्स के पास है। तो इन लोगों का विश्वास बनाने के लिए ये बहुत ज़रूरी था। लेकिन भाजपा इसमें क्यों इन्वॉल्व हो रही है ये मुझे भी समझ नहीं आ रहा। हमने तो ये भाजपा से या किसी से बात नहीं कही, हमारे लोग जहाँ भी बैठे हैं वो एक इलेक्शन कमीशन से या प्रशासन से इस बात को इंश्योर करना चाहते हैं कि जहाँ पर भी ईवीएम मशीन्स पड़ी है उनका जो सुरक्षा का इंतज़ाम है वो कड़ा होना चाहिए, वो चिंता का विषय नहीं होना चाहिए। तो भाजपा को इसमें कहाँ से दिक्कत होगी, उनका भी यही कंसर्न होना चाहिए। भाजपा को भी यही कंसर्न होना चाहिए कि उसकी सुरक्षा ठीक रहे, वो तो उनका जैसा हमारा कंसर्न है वैसा उनका होना चाहिए। पर उनको क्या दिक्कत है कि कांग्रेस के लोग अगर उसकी सुरक्षा को लेकर बात उठा रहे हैं तो भाजपा को इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। गौरतलब है कि रामपुर के दत्तनगर में ईवीएम को निजी गाड़ी में ले जाने का मामला सामने आने के बाद कांग्रेस ने ईवीएम की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए थे, जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किन्नौर, घुमारवी, धर्मपुर, नाचन, ऊना व गगरेट स्थित स्ट्रांग रूम के बाहर तंबू गाड़ दिए हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता हर गतिविधि पर नजर रखे हुए हैं। हिमाचल से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN24 न्यूज़ के साथ।